हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि वीवो मोबाइल में इंटरनल स्टोरेज का फ़ोटो वीडियो एसडी कार्ड में कैसे डालें। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले फाइल मैनेजर ऐप को ओपन करना है, आपके फ़ोन में होगा इस प्रकार का। देखिए, ओपन करने के बाद डिवाइस स्टोरेज या इंटरनल स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और बगल में देखिए एसडी कार्ड है, मतलब कि मेमोरी कार्ड लगा हुआ है। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं इंटरनल स्टोरेज पे। तो देखिए यहाँ पर हमने फ़ोन के स्टोरेज में आ चुके हैं। अब जहाँ पर रहेगा फ़ोटो वीडियो या फिर गाना, आपको वहाँ पर जाना है। जैसे कि मैं इस फोल्डर पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर है एक सॉन्ग MP3 और एक वीडियो है। अगर गाना रहेगा तो वो भी आप कर सकते हैं कॉपी। कैसे कॉपी करेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपको इस पर टैप किए रहना है, दबा के रखेंगे तो सेलेक्ट हो जाएगा। फिर से बता देता हूँ, इस पर आपको दबा के रखना है, सेलेक्ट हो जाएगा। अगर बहुत सारा रहे तो ऊपर आपको यहाँ पर सेलेक्ट ऑल या फिर इस प्रकार का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देंगे, सभी सेलेक्ट हो जाएंगे। सभी सेलेक्ट हो जाने के बाद आपको यहाँ पर मूव का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी पर क्लिक करना, और कट या मूव करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करना, यहाँ से हट कर आपके एसडी कार्ड में चला जाएगा। तो मैं मूव पे क्लिक करता हूँ, या कट का ऑप्शन रहे तो कट पे भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आप आ जाएंगे। देखिए, डिवाइस स्टोरेज है, मतलब कि इंटरनल स्टोरेज है मोबाइल वाला, और यहाँ पर है एसडी कार्ड। तो हम एसडी कार्ड पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर जिस फोल्डर में आपको डालना है उस फोल्डर पर क्लिक करना है। तो जैसे कि मैं देखिए मूवीज वाले फोल्डर पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर नीचे मूव टू हर पे क्लिक कर देता हूँ। आप में भी पेस्ट का ऑप्शन आएगा, आपको उस पर क्लिक करना है। देखिए हो चुका है। अब बैक आते हैं, फाइल मैनेजर को ओपन करते हैं, एसडी कार्ड पे क्लिक करते हैं, इस वाले फोल्डर में आते हैं जिसमें हमने भेजा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वो ऑडियो और वीडियो आ चुका है। इस तरीके से आप भी कर सकते हैं, काफ़ी आसान तरीका है। कोई गाना रहेगा उसे भी आप कर सकते हैं, और कोई फ़ोटो रहेगा उसे भी आप कर सकते हैं। तो आज के बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।